सेकेंड हैंड रियलमी X7 Max 5G 12 256 GB का वेरियंट है, विद बॉक्स के साथ मंगवाया हुआ है, ओरिजिनल बॉक्स रहने वाला है। भाई हैकर है, हैकर 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 मरना, तेरे को डर नहीं लगता? मैक्स मंगवाया हुआ है, 5G फोन होने वाला है, 12 256 GB का वेरिएंट है, ये हमने विद बॉक्स के साथ मंगवाया हुआ है, ओरिजिनल स्क्रीन भी इंक्लूड है मेरी तरफ से भाई, फ्री में, मतलब कि D- ग्रेड का है, तो उसमें टूटा फूटा कैसा भी आ सकता है, मतलब कि स्क्रीन पे लाइन या फिर डैमेज या वैमेज कैसा भी आता है, नो रिटर्न पॉलिसी रहती है। तो भाई के लिए मैंने अपनी तरफ से ओरिजिनल स्क्रीन ऑफर की थी, जो कि मैंने दिलवाई भी है। ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, प्रॉपरली मैं अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई साहब रियलमी X7 मैक्स में भाई सब क्या कैसी कंडीशन मिलती है, अच्छा रहता है या नहीं रहता है, वो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि भाई सब D- ग्रेड में एंड्रॉइड फोन ले रहे हैं तो क्या कैसी कंडीशन अपन को देखने के लिए मिलती है। जब कैसीफाई सुपर सेल से ले रहे हैं, वो भी टैग द गैजेट्स YouTube चैनल से, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों के लिए भी चीपेस्ट प्राइस में दिलवा दूंगा गाइस। और हां गाइस, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये हमने मात्र 6698 रुपए की MRP पे लिया हुआ है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट प्राइस है, इसके साथ ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल स्क्रीन और फिंगरप्रिंट तो वर्किंग रहेगा ही, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रीन है, अगर कॉपी वगैरह रहता है तो फिंगरप्रिंट वर्किंग नहीं रहता है। इन भाई ने मेरे से 5 से 6 फोन ले चुके हैं, भाई साहब दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, तो भाई साहब ने बहुत ज्यादा रियलमी X7 अपने फ्रेंडों सबको दिलवा दिया, अभी तक अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और आपको गेमिंग वगैरह भी मैं सब कुछ खेल के दिखाऊंगा, इसमें BGMI भी टेस्ट करेंगे, 90 FPS देखने के लिए मिलते हैं। मैंने जब देखा था कि भाई साहब इतना ग्राफिक ज्यादा, भाई साहब डायनेमिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना गाइस। इसमें प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1200 आता है, तो काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो हम आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरी देखो, बेस्ट गेमिंग फोन भी हो सकता है, बेस्ट कैमरा फोन भी हो सकता है गाइस, तो पूरी वीडियो को देखना, आप लोगों के लिए भी मंगवा दूंगा गाइस। चलिए इसी के साथ हम इसे अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखा दें क्या कैसी कंडीशन मिलती है। कैसीफाई से कुछ हमें ऐसी पैकेजिंग मिलती है, तो आप लोग MRP देख सकते हो, 6698 रुपए की MRP, ये हमने COD में मंगवाया हुआ है, जिससे कि ब्लू डार्ट से आया, बहुत फास्ट डिलीवरी होती है ब्लू डार्ट की, तो हमने इसे अनबॉक्स करते हैं, विद बॉक्स के साथ मंगवाया हुआ है, ओरिजिनल बॉक्स रहने वाला है इसके अंदर, तो हम चेकआउट करते हैं ओरिजिनल बॉक्स की पैकेजिंग। A few moments later. 2000 years later. One eternity later. भाई साहब आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा बड़ा बॉक्स दिया गया है, नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी X7 Max 5G के साथ हमें ये मिलता है, बॉक्स के पीछे हमें ये सब देखने के लिए मिल जाएगा, सुपर फास्ट चार्जिंग एंड डायमेंसिटी, ये थोड़ा सा हल्का प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, 120 का एमुलेट डिस्प्ले मिल जाएगा, 50W सुपर डार्ट चार्जिंग एंड सोनी का कैमरा मिल पाएगा उनको, और एंड्रॉयड है, तो हम चेकआउट करते हैं अपना फोन D-ग्रेड का गाइस, D-ग्रेड का, अभी बिल देखने के लिए नहीं मिला, देखते हैं अंदर होगा। तो गाइस इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ठीक तरीके से दिए गए हैं, और फोन तो भाई ऐसे ही रख दिया है, और वो भी चमचमा रहा है, तो हम सबसे पहले आप लोगों को बिल दिखा देते हैं कि बिल में क्या कैसी कंडीशन दी गई है या फिर कौन से ग्रेड का है, तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, यहाँ पे डी ग्रेड का है, एंड सेकेंड हैंड रियलमी X7 Max 5G 12 256 GB का वेरिएंट है, आप लोगों को MRP शायद दिख नहीं रही होगी, तो मैं आप लोगों को ठीक तरीके से दिखा देता हूँ, Realme X7 Max 5G 12 256 GB 6698 रुपए की MRP देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये रहा अपना फोन, इसके अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैंने एसेसरीज में नहीं मंगवाया है, इसीलिए इसमें एसेसरीज देखने के लिए नहीं मिलती है। तो हम अपना फोन देखते हैं कि क्रैक दिया गया है या नहीं दिया गया है, भाई साहब कहीं भी क्रैक देखने के लिए नहीं मिलता है, और काफी ज्यादा अच्छा कलर दिया गया है भाई साहब। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं कि ये D- का होने के बाद भी भाई साहब इतनी अच्छी कंडीशन,
और ये मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट वर्किंग में है, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि मैंने आरएम से बात की थी तो उन्होंने बोला फिंगरप्रिंट वर्किंग में रहेगा, इसकी क्यूसी रिपोर्ट में भी लिखा था फिंगरप्रिंट वर्किंग में रहेगा। आप लोग देख सकते हो नीट एंड क्लीन देखने के लिए मिल रहा है और खुला हुआ फ़ोन नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो हल्के माइनर स्क्रेचेस फ्रेम पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सी टाइप पोर्ट मिलेगा, इसमें 3mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है जिससे कि हम रीड वगैरह लगा के गाने वाने सुन सकते हो। यहाँ पे यही सब चीज़ देखने के लिए मिलता है और आगे पंच होल का कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो हम इसे ऑन करते हैं, स्क्रीन में कोई दिक्कत है या नहीं है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस ये इजीली ऑन हो रहा है, डी माइनस में कहीं भी लाइन वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैं आप लोगों को एक और बार बता देता हूँ कि कहीं भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है, प्रीमियम कलर देखने के लिए मिल जाता है। कहीं भी आप लोग देख सकते हो सब कुछ नीट एंड क्लीन दिया गया है, फिटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो आप लोग देख सकते हो ये इजीली ऑन हो चुका है और अपन को एक माइनर लाइन देखने के लिए मिलती है जो कि अभी ब्लैक कलर पे दिखा नहीं मेरे को। आप लोग देख सकते हो एक लाइन देखने के लिए मिल रही है, एज यू कैन सी मैं आप लोगों को ठीक तरीके से दिखा पाऊँ। आप लोग देख सकते हो एक माइनर सी लाइन देखने के लिए मिलती है, बट ये ओरिजिनल स्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन अच्छा है क्योंकि ये डी माइनस ग्रेड का, तो डी माइनस में आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर ओरिजिनल स्क्रीन चाहिए, भाई ने बोला तो ओरिजिनल ही स्क्रीन चाहिए मेरे को, इसीलिए ये मैंने ऐसा मंगवाया है ओरिजिनल स्क्रीन में। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो एक लाइन देखने के लिए मिलती है। आप लोगों को अबाउट इसका चेक करवा देता हूँ, रियलमी UI का इसमें फ्यूचर देखने के लिए मिल जाता है ओरिजिन। आप लोग देख सकते हो इसे हम अपडेट वगैरह भी करके टेस्ट करेंगे कहीं ऑनलाइन वगैरह तो नहीं आ रही है। 256GB का वेरिएंट है, डिवाइस नेम रियलमी X7 मैक्स देखने के लिए मिल जाता है। डायमेंसिटी 1200 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और अपनी 16 cm मतलब कि 16 cm की अपनी स्क्रीन है और ये अपना आता है 4500mAh की बैटरी अपन को देखने के लिए मिल जाती है। 12GB की रैम है जिसे एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो, यहाँ से ईजिली कर सकते हो। अगर आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो तो यहाँ से ईजिली नॉट, मेरे को अभी नहीं करना है तो हाँ अभी हम नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का मिल जाएगा और रियर कैमरा इसमें 64 MP का देखने के लिए मिलता है। ये ऊपर वाला आता है और एक 8 का आता है, बीच वाला 8 का है और क्योंकि ये वाइड एंगल आता है अपना, और नीचे वाला माइक्रो जूम मतलब कि जूमिंग के काम पे आता है। तो वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो 4500mAh की बैटरी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है क्योंकि ये मतलब कि बहुत अच्छी बैटरी मानी जाती है, 4500 मतलब 4000 से ऊपर अच्छी ही मानी जाती है। तो हम इसमें एक बार फिंगरप्रिंट लगा के दिखा देते हैं कि ओरिजिनल स्क्रीन है या नहीं है, तो वही हम चेकआउट कर लेते हैं गाइस। क्योंकि हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए ओरिजिनल स्क्रीन मंगवाई थी और हम इसमें BGMI खेल के भी आप लोगों को दिखा देंगे जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हीट अप हो रहा है, कितनी ज़्यादा हीट वगैरह प्रोनाउंस कर रहा है। तो हम आप लोगों को विथ गन के साथ दिखाएंगे कि हीट वगैरह कितना कर रहा है। तो हम पहले पिन डाल लेते हैं और अपना फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं जो कि ईजिली वर्किंग में दिया गया है। अगर कॉपी स्क्रीन होती तो ये वर्किंग में देखने के लिए नहीं मिलता अपन को। तो आप लोग देख सकते हो वर्किंग में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो अपना फिंगरप्रिंट बिल्कुल ठीक तरीके से लग चुका है, तो हम अपना फिंगरप्रिंट चेकआउट कर लेते हैं। तो ये भी ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, इसे लगाऊंगा नहीं खुलेगा, इसे लगाऊंगा खुल जाएगा। तो ओरिजिनल स्क्रीन के साथ है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर में जाते ही मतलब कि ये इनविजिबल हो जाती है लाइन। तो मैं इसका एक बार डार्क मोड ओपन करके देखता हूँ कि डार्क मोड है और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने बोला था ना ब्लैक कलर में इसे डार्क मोड पे चलाएंगे तो आप उनको मतलब कि लाइन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी, हल्की सी लाइन है जो कि कलर पे ही अपन को देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो व्हाइट पे भी अपन को लाइन देखने के लिए नहीं मिल रही है, यू कैन सी। मतलब कि सबका हैक टेक द गैजेट्स पे मिलेगा आप लोगों को, मतलब कि डार्क मोड पे चलाओ क्या दिक्कत है गाइस, क्या दिक्कत है डार्क मोड पे चला वाइज UI मतलब कोई आराम से कोई भी ऐप वगैरह रन करो कहीं भी कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी आप लोगों को। आप लोग देख सकते हो सब चीज का है टेक द गैजेट्स पे मिलेगा, डार्क मोड पे चलाओ, बैटरी कैपेसिटी भी चेक करेंगे, गेमिंग वगैरह भी खेल के दिखाएंगे। तो हम चलते हैं सीधा कैमरा इसका ओपन करते हैं। तो कैमरा इसमें वर्किंग में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। वैसे QC रिपोर्ट में ये खराब था बट मैंने अपने RM वगैरह से बात की कि कैमरा वर्किंग में करवा देना, तो उन्होंने बोला ठीक है हम करवा देंगे, बस तुम फोन ले लो अपने कस्टमर के लिए,
तो गैस यही मैंने अपने लिए सब्सक्राइबर के लिए फोन मंगवा दिया था, तो आप लोग देख सकते हो चारों के चारों कैमरे वर्किंग में देखने के लिए मिल जाएंगे। और आगे का भी कैमरा वर्किंग में दिया गया है, ऐसी नहीं है कि भाई साहब कैमरा वर्किंग में ना मिले। ओरिजिनल स्क्रीन है, डी माइनस ग्रेड है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपन को क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। अभी तक कोई भी फंक्शनल इशू देखने के लिए नहीं मिला है। तो मतलब कि इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके माइक एंड स्पीकर भी टेस्ट करेंगे, AI का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, और वीडियो स्टेबिलिटी भी इसमें आता है, तो इसे हिलाएंगे तो नहीं, और फ्लैश वगैरह काम कर रहे हैं ठीक तरीके से। तो हम इसे बंद करते हैं और चेक करते हैं। टैग द गैजेट्स चैनल, सब्सक्राइब नाउ। ऊपर नीचे के दोनों स्पीकर ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, और मैं बार बार मतलब कि इसे कुछ किसी को भी ओपन कर रहा हूं तो हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेटर भी इसका वर्किंग में देखने के लिए मिल जाएगा। बट हम यहां से भी वाइब्रेट करके देख लेते हैं, गाइस वाइब्रेटर बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। हां गाइस वाइब्रेट बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है इसमें। हम चलते हैं इसमें गेमिंग वगैरह एंड सिम वगैरह, एंड सिम के साथ 5G भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ चेक कराना मेरी जिम्मेदारी है, एक अच्छा फोन दिलाना 5G इतने कम प्राइस में। तो हम चलते हैं, चेकआउट करते हैं, इसमें लगाते हैं सिम वगैरह और डाउनलोड करते हैं BGMI। तो अपने वाईफाई से इसमें कर रहे हैं BGMI डाउनलोड। डाउनलोडिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसी के साथ मैंने एक और ऐप डाउनलोड किया है जिससे कि पूरा फ़ोन टेस्ट हो जाएगा एक ही बार में अपना। तो BGMI डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को खेल के दिखाते हैं पूरी गेमिंग सेटिंग्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ। तो गैस हम इसमें 5G सिम लगा लेते हैं एयरटेल की, तो 5G की कनेक्टिविटीज भी चेक कर लेते हैं गैस। ये लगाई हमने सिम कनेक्टिविटीज, देखेंगे कि 5G की कनेक्टिविटीज आती है या नहीं आती है। अपना वाईफाई करते हैं ऑफ, अपना नेटवर्क ऑन करते हैं और देखते हैं गैस 5G इनेबल है या नहीं है। तो गाइस यहाँ से तो सब कुछ ओके है, स्मार्ट 5G के नेटवर्क वगैरह सब कुछ मेरे को यहाँ से ठीक लग रहा है। यहाँ पे डाटा कॉलिंग वगैरह आता है ऑप्शन, तो हम एक बार चेक करते हैं कि भाई साहब 5G कनेक्टिविटीज मिलती है या नहीं मिलती है इन मेरे रूम के अंदर। गाइस यहाँ से मैंने 5G इनेबल किया, तो अपन को 5G की कनेक्टिविटीज देखने के लिए मिल चुकी है। आप लोग देख सकते हो 5G के नेटवर्क आ चुके हैं। यहाँ से मैंने ऑटो 5G कर दिया, तो अपने नेटवर्क भी आ चुके हैं। तो एक बार हम कॉल लगा के ट्राई कर लेते हैं, कॉल लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अपना एयरटेल में स्वागत हो चुका है, मैंने मतलब कि BGMI वगैरह भी डाउनलोड कर लिया, तो उसे भी टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और ये भी मैंने डी ग्रेड का मंगवाया था, इसमें हम टाइमर लगाएंगे गाइस, ये भी झक्का मिलते हैं भाई साहब। डी ग्रेड के फोन और अजय पे मतलब कि टेक द गैजेट्स पे टूटे फटे आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है गाइस। तो गाइस हम इसमें टाइमर वगैरह लगाएंगे, अपनी हॉट गन भी है, मैंने अपनी मतलब कि टेम्परेचर गन भी अपन को निकाल के रख लेते हैं गाइस। इससे हम अपना पूरा टेम्परेचर नापेंगे, बिल्कुल लाइव के लाइव करेंगे कि भाई साहब कितने मिनट गेमिंग की, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो हम नॉर्मली इसके ग्राफिक वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि डायमेंसिटी थोड़ा हल्का प्रोसेसर लगता है मेरे को, स्नैपड्रैगन का थोड़ा फास्टेड आता है, तो इसमें भी एक्सट्रीम प्लस मिल रहा है गाइस। गाइस मेरे को लगता है कि डायमेंसिटी भी इतना हल्का प्रोसेसर नहीं है, इसमें एक्सट्रीम प्लस मिल रहा है। मेरे 14 प्रो में भी इतना ही मिलता है, और 15 प्रो मैक्स में भी इतना ही मिलता है, इसमें भी एक्सट्रीम प्लस मिल रहा है गाइस। और क्या चाहिए, इसीलिए मैं बोलूँ कि भाई इन्हीं मेरे सब्सक्राइबर ने 5 से 6 मोबाइल मेरे से रियलमी X7 मैक्स मंगवा लिए, क्योंकि इसमें हमको एक्सट्रीम प्लस 90 FPS देखने के लिए मिल जाते हैं, बैलेंस्ड पे एक्सट्रीम देखने के लिए मिलता है, और HD पे भी एक्सट्रीम है, और हम HDR पे ट्राई करते हैं तो HDR पे भी एक्सट्रीम चल रहा है। आप लोग देख सकते हो भाई साहब स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस गाइस, ये मैंने अनएक्सपेक्टेड है गाइस, ये अनएक्सपेक्टेड है, मेरे को नहीं पता था गाइस सच बताऊं तो। तो हम इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह चला के देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम अपना मैप डाउनलोड होगा या नहीं होगा, तो ये मैप डाउनलोड नहीं है। जब से पहले मैं आप लोगों को ये वाला मतलब कि इसमें एक सेंसर आता है वो वर्किंग में है या नहीं है चेक करते हैं। तो गाइस ये भी सेंसर अपना वर्किंग में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो ये भी सेंसर वर्किंग में दिया गया है। तो गाइस ऊपर के सारे सेंसर वर्किंग में है, तो अपना गेम मतलब कि इसे भी खेल के ट्राई करते हैं एक TDM। तो अपना TDM डाउनलोड हो चुका है, तो हम TDM खेलते हैं और अपना टाइमर वगैरह भी लगाते हैं। सबसे पहले हम हीट अप चेक कर लेते हैं, AC ऑन है, 33 टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, 32 हो गया है तो हल्का सा, आप लोग देख सकते हो कहीं भी ज़्यादा हीट नहीं है, 33 एंड 32 के बीच में है, 31 भी हो रहा है। और बैक पे हम चेक कर लेते हैं, तो बैक पे भी 31 है, ठंडा का ठंडा रख
रखा गया है पीछे भी, बिल्कुल बिल्कुल 30-30 के अराउंड है। और हम अपना टाइमर लगाते हैं और अपनी बैटरी हेल्थ अपनी चेक करते हैं, 85% है और कितने मिनट खेलेंगे हम ये भी चेक करते हैं। अपना टाइमर लग चुका है, जायरोस्कोप चेक करते हैं क्योंकि जायरोस्कोप भी आता है, तो जायरोस्कोप मैंने इनेबल कर दिया है, तो जायरोस्कोप भी बिल्कुल ठीक तरीके से 90 FPS पे चल रहा है। आप लोग देख सकते हो जायरोस्कोप भी ठीक तरीके से चल रहा है। तो हम एक गेमिंग मतलब कि खेल के देखते हैं गाइस, क्योंकि ये ओरिजिनल स्क्रीन है, इसके कलर वगैरह मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे लग रहे हैं। गाइस ये क्या है, ये क्या बकचोदी है भाई, भाई साहब बड़ी ही तगड़ी कैंपिंग चल रही है गाइस इनकी। तो गाइस हमने इसमें टोटल 10 किल किए और अपन ने खेला है 4 मिनट 51-52 सेकंड। तो हम अब इसका मतलब कि बैटरी देखते हैं, तो अपनी कुल 3% बैटरी ड्रेन हो चुकी है। मैंने 85 से चालू किया था, 85 से चालू किया था, 82 हो चुकी है 4 मिनट 52 सेकंड, मतलब वो टोटल 5 मिनट गेम चला है। तो हीटअप चेक कर लेते हैं, हीटअप ज़्यादा हुआ है या नहीं, मेरे को थोड़ा सा लग तो रहा है हल्का सा वार्म हुआ है। हाँ 2% मतलब कि 3 से 2% इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है स्क्रीन पे, 37 भी जा चुका है, आप लोग देख सकते हो। बैक पे चेक करते हैं तो इसका मतलब कि 30 था, तो इसमें 3 से 4% इंक्रीज हो चुका है। तो गाइस हाँ मैं कहना चाहूँगा हल्की सी हीटिंग, अब उनको मैं एसी में खेल रहा था तब भी हीटिंग देखने के लिए मिली है, क्योंकि मैं 90 FPS पे खेल रहा था। अब गाइस मैं गेमिंग की मतलब कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ कि भाई साहब 15 Pro Max का 90 FPS और इसका 90 FPS बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका 75% मान सकते हो, 25% ये नहीं है। सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ, बट 90 FPS की गेमिंग चल रही है इस फोन में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 6000 रुपये में। और क्या प्लान लोगे, 5G की कनेक्टिविटीज सब कुछ इसमें मतलब कि नीड एंड क्लीन देखने के लिए मिला है। गेमिंग टेस्ट भी आप लोगों को दिखा दिए गए, कुछ डी ग्रेड में भी अच्छे फ़ोन आ जाते हैं। अगर टेक द गैजेट से ऑर्डर करवा रहे हो तो इंश्योर आपको अच्छे ही डिवाइस मिलेगा, वर्किंग में मिलेगा, फिंगरप्रिंट से लेके सब कुछ। हल्की सी ये लाइन है बट उसे डार्क मोड पे चलाएंगे, जैसे कि अभी भी डार्क मोड पे है, तो ये भी वर्किंग में देखने के लिए मिल रही है। ऐसा कुछ ज़्यादा विजुअल वगैरह नहीं हो रही है, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, वैसे बॉक्स डब्बा सब कुछ मिला ही है इसके साथ, इतनी सामान मिला है। तो गाइस ईजिली सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाएगी, ये कहना चाहूँगा कि आपका लॉस नहीं हुआ है मेरे सब्सक्राइबर का, उनने मेरे से काफ़ी ज़्यादा यही मॉडल मतलब कि मंगवाए हुए हैं। तो गाइस मैं भी उनका प्रॉफिट ही सोचता हूँ अपने हर सब्सक्राइबर का, कि भाई साहब लो से लो भी प्राइस में आप लोगों को अच्छी डील मिल जाए। वो कहाँ मिलेगी, इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी, आप लोग भी कनेक्ट कर लो, आप लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छे चीपेस्ट प्राइस में अच्छे फ़ोन दिलवा लूँगा, चाहे वो आईफोन हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे वो S22 Ultra हो, चाहे वो 15 Plus या 15 Pro हो। तो इस नंबर पे कनेक्ट कर लो, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी डील दिलवा दूंगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ऑल पे कर देना, ऐसे ही मैं ढेर सारी वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।